हाय फ्रेंड्स, ये कार है पेट्रोल का फाइन इंजन। इसके अंदर गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है। जब भी हम गाड़ी रनिंग करते हैं तो गियर शिफ्टिंग के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी गियर अटक जाता है। थर्ड और सेकंड में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। तो हम इसको डायग्नोस करते हैं, इसके क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो मैं आपको पूरी प्रोसेसिंग बताता हूँ वीडियो के अंदर। तो प्रोसेसिंग देखने के लिए प्लीज़ कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते रहिए। और फ्रेंड्स, मैं हंसराज और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कार टेक्नोलॉजी। तो हम इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी यहाँ से खोल के देखते हैं, क्योंकि मुझे दिक्कत इसी की यहाँ से लग रही है। तो इसके लिए हम इस कवर को निकालेंगे, फिर इसको खोलेंगे। इधर दो स्क्रू है इसके और इधर दो स्क्रू है। तो हम इसको रिमूव करते हैं और आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो हम खोलना स्टार्ट करते हैं इसको। फ्रेंड्स, मैंने इसके कवर कंट्रोल रिमूव कर लिया है। तो यहाँ पर यह तो इसका सही है, मेन लीवर, यह लीवर भी इसका सही है। और इधर देखो, ये बुश है ना इसका, इस वायर का कट कट के पूरा नीचे गिर गया है। इस कारण इसी गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही थी। इसके अंदर काफ़ी प्ले हो चुकी है, देख रहे हो आप। इसके अंदर रबड़ का बुश आता है जो कट के नीचे गिर गया है। तो हम इसका बुश नया इंस्टॉल करेंगे, फिर गाड़ी को गियर शिफ्टिंग देखते हैं कैसी प्रॉब्लम रहती है या नहीं रहती। तो मैं इसके अंदर नया बुश इंस्टॉल करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर बुश इंस्टॉल कर दिया, न्यू वाइट कलर का, देख रहे हो आप। इसका तो मिला नहीं, तो मैंने कोई जोगाड़ करके इसके अंदर फिट किया है। इसका अलग से बुश नहीं आता, पूरी कैबिली आती है, तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है इसलिए। तो अब देखो, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। तो इसकी कार्टर पिन लगा देते हैं इसके अंदर, ये वाली जो इसको लॉक करती है। अभी कंप्लीट फिटिंग करके गाड़ी को एक बार चला के देख लेते हैं, फिर बाद में इसकी कंट्रोल अंचोल बाद में लगाते हैं। तो हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके टोटल गियर में आपको लगा देते हैं, बता देता हूँ एक बार। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव एंड रिवर्स, सारे गियर स्मूथ आ रहे हैं। अब इसकी टेस्ट ड्राइव भी लग के देख लेते हैं चलने में। वाकई इसमें इसके अंदर क्लच वलच का काम भी किया है। गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी इस कारण। कभी अच्छा आ गया गाड़ी में, चलने में भी स्मूथ अच्छी है गाड़ी, गियर भी अच्छे से शिफ्ट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है ना, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आता रहे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। और वैसे मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ, एक से उठकर एक, बस थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट चाहिए। तो बस वैसे भी चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, गाड़ी बढ़िया, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कंप्लीट फिटिंग कर देता हूँ मैं इसकी। जय हिंद फ्रेंड्स।